हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू द वाइस स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी क्लास 9th की पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपसे पिछली बार ही कहा था कि अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल इजी आइडेंटिटीज़ के साथ करने वाले हैं। फर्स्ट फोर आइडेंटिटीज़, जिनमें से तीन तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक नई आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर जोड़ दी है, वो कहती है ए प्लस बी और ए प्लस सी। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनमें हमारे दोनों ये साइड वाले डिफरेंट हैं, तो ऐसे केसेस में क्या बन जाएगा? वो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, जो दोनों डिफरेंट थे उनको प्लस करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस बी इंटू सी। ये जो लास्ट वाले थे दोनों, इनको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये आइडेंटिटीज़ तो बहुत इजी हैं, पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में सीखेंगे। तो इन्हीं चार आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो आज हमने उन्हीं को ही सॉल्व करके देखना है, ताकि इन आइडेंटिटीज़ को बिल्कुल रट के अच्छे से एकदम ख़त्म कर देना है। हमने सीख लेना है कि आखिर इनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, ताकि जब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ें तो हम दूसरी आइडेंटिटी का काम करें, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना इन चार आइडेंटिटीज से क्या क्या काम बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इनको सॉल्व करने के लिए बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड में इनको इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। इवेल्युएट कैसे करना होगा आपको? यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी लगा के करना है। सिमिलरली आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो फैक्टराइज के ऊपर है, तो बस एक एक करके इनको करते हैं। देखिए फर्स्ट इनको अगर हमें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखिए किसके साथ रिजेंबल कर रहा है। एक्स है यहाँ पे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें सेम है। देखिए ए है, ए है, और ये 4 और 10 जो है ये क्या हो गए आपके? बी और सी के इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी 4 यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी 4th। 4th में क्या है आपका? ए जो है वो यहाँ एक्स के इक्वल है, बी जो है वो 4 के इक्वल है, और सी जो है वो मेरा 10 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे ए एक्स के इक्वल है, बी 4 के और सी 10 के। तो बस मैंने इसके आगे जो आइडेंटिटी लिखी है वही यहाँ पे लगा देनी है, मेरा आंसर अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी मतलब कि 4 प्लस 10, फिर क्या है ए, तो ए की जगह पे रखना है एक्स, प्लस बी इंटू सी मतलब कि 4 इंटू 10। बस रख दिया, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14x प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया आपका? 40। तो ये आ गया आपका आंसर। अपने आप ही इन्हें मल्टीप्लाई करा के आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। कैसे? आइडेंटिटी 4 के थ्रू। अपने आप इजीली समझ में आएगा आपको। आप नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरीके का है। एक्स है, एक्स है मतलब कि ये दे रखा है ए की, यहाँ पे बी की वैल्यू है आपकी प्लस 8, सी की वैल्यू है माइनस 10। फिर से आपके यहाँ माइनस आ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, माइनस आ गया ये, तो यहाँ तो प्लस की आइडेंटिटी थी, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया सिर्फ कि सी की जगह पे माइनस 10 रखूँगी मैं, प्लस 10 नहीं रखूँगी। तो सेम वही चीज़ इस बार फिर से, यूजिंग आइडेंटिटी 4। देखिए यहाँ पे ए जो है वो एक्स के इक्वल हो गया, बी 8 के इक्वल है, सी लेकिन माइनस 10 के इक्वल है। ठीक है, माइनस 10 लेंगे यहाँ पे हम। फिर से सेम पुट कराइए आप यहाँ पे, ये देखिए ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी था, तो 8 प्लस माइनस 10 इंटू आपका ए मतलब कि एक्स प्लस ए इंटू बी इंटू सी मतलब कि 8 इंटू माइनस 10 यहाँ पे आपको करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 10 में से 8 गया, तो माइनस 2 बचेगा, तो मतलब कि माइनस 2x। यहाँ पे भी 8 इंटू माइनस 10 करने से माइनस 80 बचेगा, तो माइनस 80। बस डिफरेंस उतना ही आना है माइनस का साइन लेने से, ये थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाएगा, है ना। लेकिन घबराना नहीं है यहाँ पे, आराम से अगर ये वैल्यूज डिफरेंट दे रखे हैं, यहाँ पे सेम दे रखा है और दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब आँख बंद करके आइडेंटिटी 4 लगानी है वहाँ पर हमें। अब इस केस को देखिए, फिर से सेम वही है ना, ये दोनों सेम दे रखे हैं और ये दोनों डिफरेंट दे रखे हैं, मतलब कि फिर से आइडेंटिटी 4 ही मेरी लगने वाली है। तो यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी 4 यूज़ की। इस बार मेरा एक्स, हाँ ए जो है वो 3x के इक्वल है, बी मेरा 4 के इक्वल है, सी मेरा माइनस 5 के इक्वल है। इस बार इन्होंने एक्स, या यहाँ पे लिखने की जगह ऐसे सिंपल सिंपल उसमें भी इन्होंने 3x जो है वो हमें बता दिया है। तो देखिए आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस
फाइव थ्री एक्स, क्योंकि एक्स अब हमें एक ही जगह पे थ्री एक्स रखना है, और फिर यहाँ पे प्लस में क्या आएगा आपका फोर इंटू माइनस फाइव, तो आंसर आ गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर मतलब कि नाइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फाइव में से फोर गया मतलब कि माइनस थ्री एक्स, ठीक है, यहाँ पे फाइव इंटू फोर मतलब कि माइनस ट्वेंटी, तो नाइन एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल है, बस पुट करा देना है आईडी में, आइडेंटिटी में हमारा आ जाएगा आंसर। लास्ट वाला ये देखिए, फोर्थ वाला लास्ट नहीं है ये, तो और भी इजी है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर थ्री बाई टू थ्री बाई टू, सेम चीज़ें लिखी हुई है, क्या डिफरेंस है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, अब आप बोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो क्या हुआ, बना रहने दीजिए स्क्वायर में, मुझे क्या लेना देना है, स्क्वायर में रहे क्यूब में रहे चाहे किसी में भी रहे, मुझे मेरी आइडेंटिटी लगाने से मतलब है, यहाँ पे लगी मेरी आइडेंटिटी थ्री, कैसे लगेगी, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है यहाँ y स्क्वायर और b की वैल्यू है मेरी 3 बाई टू, ठीक है, a की वैल्यू है y स्क्वायर b की वैल्यू है 3 बाई टू, ये पीछे वाला पार्ट मुझे दे रखा है, आगे वाला इसका मतलब कि मैं लिखूंगी, तो a की जगह पे a स्क्वायर, इसका मतलब कि y स्क्वायर का होल स्क्वायर, बना रहे स्क्वायर, पर मेरा यहाँ पे भी स्क्वायर आना है तो मैं एक और स्क्वायर यहाँ पुट करूंगी, और दूसरा माइनस 3 बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y टू दी पार 4 माइनस 3 थ्री जा 9 अपॉन 4, तो y टू दी पार 4 माइनस 9 बाई 4 जो है वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एकदम इजी सिंपल, यहाँ पे भी वही है 3 3 2x 2x, सिर्फ साइन का डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी आइडेंटिटी 3 लग रही है मेरी, आइडेंटिटी 3 लग रही है, यहाँ पे मेरा a है वो 3 है और जो b है वो माइनस 2, माइनस नहीं सिर्फ 2x है, यहाँ माइनस नहीं लिखते, तो फिर से वही लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर, है देखिए इजी, 9 माइनस 4x स्क्वायर, सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, बिल्कुल इजी है ये, इसमें तो बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं था, दिमाग थोड़ा बहुत आपको उन क्वेश्चंस में लगाना है कि आखिर उन्हें कैसे आइडेंटिटी में हम लगा सकते हैं, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7, लिख सकते हो ना, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, देखिए जल्दी जल्दी देखिए, फोर्थ वाली बन गई, कैसे, ए ए बी और सी, ये रहा मेरा ए ए, दोनों जगह पे 100 था, बी और सी वैल्यू डिफरेंट और आगे वाली वैल्यू सेम, प्लस प्लस या माइनस कुछ भी आता है, तो इसका मतलब सीधे आइडेंटिटी 4 लगा देनी है वहाँ पे मैंने, तो फिर से यहाँ मैंने आइडेंटिटी 4 लगानी है, 4 लगाते ये हो जाएगा मेरा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, ये आ गया 1 2 3 4 10,000 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है हमारा 10 इंटू 100 मतलब कि 1000 प्लस 3 7 21, अब इसे प्लस करने में कितना आसानी है, कहाँ आप इसे मल्टीप्लाई करते फिरते और कहाँ ये दो मिनट में आंसर जो है वो आपका निकल कर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ गया आपका यहाँ पे 1 2 0 1 1, ठीक है, देखिए इन सबको प्लस करके 1 1 0 2 1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, सेम इसमें भी कर सकते हैं आप इसमें बोलेंगे कि क्या आप 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 ले लें, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों लेंगे भाई, 90 का तो स्क्वायर करते करते हमें फिर तकलीफ हो जाएगी, 100 का ही लेना है हमने, जो भी लेना है यहाँ पे, इसको देखिए आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है, एक 100 माइनस 5 है एक 100 माइनस 4 है, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो 100 है, बी जो है वो माइनस 5 है, सी जो है वो माइनस 4 हो गया, फिर से आइडेंटिटी 4 लगेगी यहाँ पे भी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फोर्थ वाली ही लगेगी यहाँ, तो फिर आ गया आपका 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों माइनस के ही आएंगे, तो प्लस का साइन नहीं आना, 5 प्लस 4 9 होता है, तो माइनस 900 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, तो 5 4 20, ठीक है, तो बस अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है अपना, प्लस वाले एक साथ कर लो माइनस वाले एक साथ कर लो, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए ये हो गया 10020 माइनस 900
मतलब आपका आंसर यहाँ पे आ गया, 0 में से 0 गया 0, 12 यहाँ पे आपका 2 में से 0 गया तो बच गया 2, कुछ भी नहीं बचेगा 2 में से क्योंकि 0 जा रहा है, 10 में से 9 गया तो बच गया आपका 1, यहाँ पे तो आपका 9 ही बचा था, तो 9120 जो है वो आपका आंसर आ गया। इजी था, कहाँ वही है मल्टीप्लिकेशन पूरा करते तकलीफ होती, और कहाँ 2 मिनट में आंसर आ रहा है, 2 मिनट भी पूरे नहीं लग पा रहे हैं यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा इजी है, फिर 100 के ही टर्म्स में लेंगे, 100+4 है और ये होता है मेरा 100-4। इस बार कौन सी आइडेंटिटी बनी, 3 वाली, ए और बी तो आप कहेंगे कहीं आई नहीं, सिर्फ हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी में ही अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आइडेंटिटी 3 लग रही है, एक तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 4, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 1000-16। आंसर कितना बन गया आपका, आपको पता ही है यहाँ पे 4899, तो 9984 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर बन गया। फटाफट सॉल्व हो गए तीनों के तीनों क्वेश्चंस, सिर्फ हमारी दो आइडेंटिटीज़ को ही लगाकर, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड फैक्टराइज वाला भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज की छुट्टी, बस फिर आप इतने ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड भी फैक्टराइजेशन वाला इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, उसको भी कर लेते हैं बस। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो फैक्टराइज वाला है, इस बार आपकी फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी भी बिल्कुल यूज होने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो बचपन में पढ़ चुके तो उनसे रिलेटेड कुछ नहीं आने वाला, और ये क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं अपने 8th क्लास में इस टाइप के, कुछ नया नहीं है यहाँ पे भी। तो बस हमें ये जो मेरा दे रखा है इसे ऐसे तोड़ना है, तोड़ मरोड़ के कोशिश करनी है कि यहाँ पे कुछ जो लिखा हुआ हो उससे मिलता हुआ बन जाए। बस ज़्यादा दिमाग पहले मैं आइडेंटिटी में नहीं लगाऊंगी, पहले मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगी कि मैं यहाँ पे तोड़ के किस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ। तो देखिए 9 जो होता है वो मेरा 3 का स्क्वायर होता है ना, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो इसे मैं पूरे को लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, प्लस मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3x × y लिख सकती हूँ ना, मैं 6 को 2 × 3 लिख सकती हूँ, तो इस 6xy को मैंने लिखा 2 × 3x × y, प्लस y स्क्वायर को मैं y स्क्वायर ही रहने देती हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मेरी आइडेंटिटी 1 वो क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² बिल्कुल वही लिखा है। यहाँ पर मेरा a जो है वो 3x के इक्वल आ गया और b जो है वो y के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी 1, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 यूज़ कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, टोटल 3x + y का होल स्क्वायर, यही इसका फैक्टराइजेशन भी हो गया, 3x + y का होल स्क्वायर। सिर्फ मुझे कोशिश करनी है कि जो लिखा है उसे मैं तोड़ के किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं। 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकती थी, फिर यहाँ पे 6 को मैं 2 × 3 लिख सकती थी, वो लिखा तो × x × y बना, और वाई स्क्वायर को मैंने वाई स्क्वायर ही रहने दिया, वो मेरा किसके इक्विवेलेंट बना, ये फर्स्ट आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट बन गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², बस वही लगा दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया फैक्टराइज। इसमें भी कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं थी, इजिली सॉल्व हो जाना था ये आपका, तो ये बिल्कुल इजिली आपका जो है सॉल्व यहाँ पर हो गया। अब देखिए आप यहाँ सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसे भी ऐसे ही तोड़ेंगे बिल्कुल, ये बन सकता है आपका 2y का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो 2 × 2y × 1। 1 क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना लास्ट में, तो y भी तो वैल्यू बनाऊँ मैं, ये -2ab, तो यहाँ पे b की भी तो वैल्यू कुछ ना कुछ बनाऊँ, 1 को तो मैं वैसे ही 1 का स्क्वायर जो है वो लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया। देखिए आप दोबारा से, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर, 2y² जो है वो ए स्क्वायर -2ab, यहाँ पे a है 2y और b है मेरा 1, और साथ में +b², मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो ये मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी 2 यूज़ हुई है, और यूजिंग आइडेंटिटी 2 ये बन गया 2y-1 का होल स्क्वायर। फैक्टराइज होके क्या बन गया, 2y-1 का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, सिर्फ तोड़ के कोशिश करनी है कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ बना लें। ये तो सामने सामने दिख रहा है आपको, a² - b² की आइडेंटिटी लगी है, कैसे देखिए, x² - y/10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है, a जो है वो आपका x है और b जो है यहाँ पे y/10 है, ठीक है। तो a² - b² की आइडेंटिटी आपके सामने है, a + b a - b, मतलब कि x + y/10 और दूसरा हो जाएगा x - y/10, तो ये ही आपका आंसर हो गया इस केस में, ये आंसर है मेरा सेकंड का।
और ये आंसर है मेरा फर्स्ट का। इजी था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी सिर्फ लगा के आराम से जो है तीनों आंसर्स वो निकल आए। इसी तरीके से और भी आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें से 8 तो आपकी लिखी हुई हैं, 2 आपके एक्सरसाइज में गिवन है। 8 आपकी पहले ही गिवन है, एक्सरसाइज से बताई जा रही है कि ये 8 आइडेंटिटीज़ हैं। उसके बाद 9 और 10 जो हैं वो 2 एक्सरसाइज में गिवन है आपकी। तो सारी हम एक एक करके ऐसे ही करेंगे। देखिए 4 तो आज ही कवर हो गई, 2-2 करके और कर लेते हैं फटाफट। 3 और वीडियो मुश्किल से लगेंगे और आपको पूरा का पूरा 2.5 और साथ में हमारा पॉलीनोमियल्स चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे वाली 2 आइडेंटिटीज़ के साथ या 3 आइडेंटिटीज़ के साथ। चलिए फिर, बाय बाय। Thank you.